सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पर जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि एक फ्लावर पॉट को हम डेकोरेट किस तरह कर सकते हैं। मैंने कुछ फ्लावर पॉट को डेकोरेट किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये कितना लाजवाब लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। पता नहीं आपको कैसा लग रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस बारी बारी से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। प्लीज़ मेरे हौसले को टूटने मत दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लास्टिक का सीट, जिसे हमें फ़र्श पे बिछाना है ताकि रंग मिट्टी में ना लगे, फ़र्श पे ना लगे। उसके बाद हमें चाहिए एक पेंट, पेंट का डब्बा। मैंने 1 लीटर का एशियन का एक FX लिया हूँ। दोस्तों, आप कलर कोई सा भी ले, लेकिन इसमें FX होना चाहिए, जो कि एशियन का हो या कोई और कंपनी का हो, लेकिन FX का ले लीजिए और वाइट कलर का लीजिए। FX इसलिए है क्योंकि FX में पानी में, धूप में और मिट्टी में कलर ख़राब नहीं होता है जल्दी। उसके बाद चलिए, अब हम इसके लिए स्टेनर लेंगे। स्टेनर हम लेंगे, दीजिए, मैं देखिए, मैंने एशियन का ही स्टेनर लिया हूँ, जो कि येलो कलर का है। ये आप स्टेनर वो चीज़ है जिसको हम कलर में मिलाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए वाटर, जो कि पेंट में मिक्स करना है, पेंट को पेंट में मिलाना है अगर वो गाढ़ा है तो। उसके बाद चाहिए हमें पॉट, जिसे हम पेंट को इसमें घोलेंगे। उसके बाद ये कटोरी, जो हम कलर को इसमें डाल के मिक्स करेंगे। आप जितना भी कलर लेंगे, आपको कटोरी भी उतना लेना होगा। और सबसे मेन चीज़ है ये पत्थर। ये पत्थर मैंने रेत का ढेर से लिया हूँ। मेरे घर में कुछ रेत आया हुआ था, रेत लेके आए थे हम, तो उसमें से ये पत्थर निकला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आपको भी रेत का ढेर से ये पत्थर मिल जाएगा। ये कुदरती तौर पे ढला हुआ है, देखने में बहुत खूबसूरत है, और इसमें हम कलर कर देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं पूरा। तो अब हम कलर को मिक्स कर लेते हैं। एक पॉट लेंगे और कलर को इसमें पूरी तरह अच्छी तरह से हिला लेंगे, ताकि अंदर नीचे में बैठा हुआ कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे। आप इसमें ज़्यादा कलर मत डालिए, बस थोड़ा सा डालिए, बाद में बाकी बाद में ज़रूरत पड़े तो फिर से डाल लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा कलर लूँगा। देखिए, ये कलर बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही घना है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा वाटर देना होगा ताकि ये पतला हो जाए। आप इतना भी पतला मत कीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाए और पत्थर में ना लगे। सबसे पहले मैं इसमें ऑरेंज कलर का स्टेनर डालूँगा और इसमें मिक्स करूँगा। स्टेनर कलर, ऑरेंज कलर का स्टेनर आप उतना डालें अपना सुविधा के अनुसार। आपको गाढ़ा कलर चाहिए या फीका चाहिए, जैसा भी चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तो इसमें पूरा ही डार्क रखूँगा, ताकि बाद में धूप लगने से थोड़ा सा ये कलर फीका होगा तो अपना सही लाइन पे आ जाएगा। अगर मैं अभी तक अगर इसमें फीका, अभी ही फीका कर दूँ तो फिर बाद में पूरा फीका हो जाएगा। थोड़ा सा पानी भी मिला लेते हैं इसमें, कलर बहुत ही गाढ़ा है। देखिए, कलर तो बिल्कुल हमारा कलर रेडी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसको रख देते हैं आप साइड में। अब दूसरा कलर को इसी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा वाइट कलर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेना है।
थोड़ा सा वाइट कलर ले लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि कलर वाइट कलर बहुत ही गाढ़ा है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। आप इतना मिलाइए पानी ताकि ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। अब इसमें येलो कलर का स्टेनर को मिक्स करेंगे। मेरा स्टेनर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे पत्थरों को, लगभग एक स्टेनर से मैंने 20 से 30 पॉट को कलर करके उसको डेकोरेट किया हूँ, जो कि आपने पहले ही वीडियो में देख लिया। और भी उस तरह का बहुत सारा पॉट मैंने डेकोरेट करके पत्थरों से रख दिया हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा कलर बचा है तो उसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैं पत्थरों को लूँगा और ये ऑरेंज कलर में इस तरह से डुबाऊँगा। बस कुछ नहीं करना है इसमें, कलर में डुबाना है और एक्स्ट्रा कलर को झाड़ लेना है, निकाल लेना है। इसको एक्स्ट्रा कलर को हम निकाल लेंगे। अब देखिए, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से ही। अब इसको रख देते हैं इसमें साइड में प्लास्टिक के ऊपर ताकि मिट्टी में कलर ना चिपके। इस तरह से हम पूरा कलर पत्थर को, जैसे कि 30 से 40 पत्थर को कलर कर लेंगे। इसमें जितना सा कलर है सारा का सारा कलर को मैं पत्थर से कलर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट कलर को कलर करता हूँ पत्थरों से। देख सकते हैं मैंने लगभग 40 से 50 पत्थर को इतना सारा ही, इतना कम कलर में ही कलर कर लिया। चलिए अब येलो कलर को कलर कर लेते हैं। बस उसी तरह से इसमें कलर में इसको डुबाना है और इसको एक्स्ट्रा कलर को उसको निकाल के बस प्लास्टिक में रख देना है। तो इसे भी पूरा कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारा येलो कलर का स्टोन बिल्कुल रेडी है। देखिए आप देख सकते हैं कितना कम कलर मैंने लिया था और कितना सारा पत्थर कलर करके मैं रेडी हो गया है। इसी तरह से कई और कलर से मैं कलर कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने 4 कलर का कलर से स्टोन को कलर कर लिया हूँ। अब इसे हम 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे सूखने के लिए। हेलो दोस्तों, देखिए 2 दिन हो चुका है। अब आज मैं इसको पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो ये बिल्कुल सूख चुका है और इसमें कोई भी कलर है नहीं कच्चा, बाकी ये बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है। तो मैंने इसमें हर तरह का कलर से 2-3 पत्थर लिया हूँ। एक ऐसा नहीं कि एक ही पत्थर लिया हूँ, पूरा 2-3 पत्थर लिया हूँ एक कलर से। जैसे ब्लू कलर का 2-3 हो गया, ग्रीन का 2-3 हो गया, येलो का 2-3 हो गया, और ये वाइट कलर का। मैंने इसमें बाद में सोचा कि वाइट कलर का भी कुछ पत्थर को कलर कर लिया जाए, तो मैंने वाइट कलर का भी कुछ पत्थरों को कलर किया हूँ। इसमें मैंने कोई स्टेनर नहीं मिलाया, बिल्कुल सिर्फ एशियन का जो एफएक्स है मैं उसी को सिर्फ कलर कर लिया हूँ। चलिए तो अब पॉट में इसे शिफ्ट कर देते हैं। पॉट में शिफ्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप सिर्फ पत्थर को लीजिए और पॉट में अपने हिसाब से इसे सजा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यह हमारा जो मैंने जो इस पॉट को डेकोरेट किया, तो आप देख सकते हैं ये कितना ही खूबसूरत लगता है। ये वीडियो तो हो गया है हमारा कंप्लीट। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा।